अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खदीजा है और मैं 2-3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था, तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूट हो रही हैं, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की, जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं, वो एक लड़की की DOB मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की का की शादी करवा देंगे, या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जन करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, ख़ास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ, जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई, उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली, मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली, उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इसका आप इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मैं सबको बताती चलूँ कि जब भी शादियाँ भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब होते हैं, वो भी अपने लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये फोर्सफुल एक्ट तो नहीं है, आपको कहीं फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी 2-4 दिनों से जो ये सिख बरादरी हमारी है वो काफ़ी रूड हो रहे हैं, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मैं ये बताती चलूँ कि कोई भी कन्वर्जन या कोई भी शादी, खासकर शादी, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल फोर्सफुली कोई शादी नहीं हो सकती है। तो गन पॉइंट पे लव जिहाद का तो कोई मसला ही नहीं है, इन्होंने कोई, मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मसले को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, पॉलिटिकल इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदरहुड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, तो ये जो आपसी बरादरी है, सिख बरादरी या मुस्लिम्स की आपस में जो बरादरी है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ, मैं लगभग 2-2.5 महीने से अपने ससुराल में रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, और ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। मैंने खुद अपना कन्वर्जन खुद अपनी मर्ज़ी से किया था और मैं एक बालिग लड़की हूँ, मेरे अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया, मेरा मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, जो मुझे फंडामेंटल राइट है मेरा, मैंने अपनी मर्ज़ी से रिलीजन को चुना, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मुझे फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मुझे वो फंडामेंटल राइट कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से रिलीजन चूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आखिर में यही बोलना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके आप इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, कोई भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें, ऐसा कोई मसला है, किसी लड़की को कभी भी फोर्सफुली कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और आजकल की जो जनरेशन है, खासकर आजकल की जनरेशन को कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है फोर्सफुली, यह हम सब अच्छे से भलीभांति जानते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके पॉलिटिकल इशू ना बनाएं।
तो मेरा भी कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से। और ये भी मैं बोलूँ कि मेरे जो कन्वर्जन हुआ है 70% जो मैं कन्वर्जन को अपने को रीज़न दे रही हूँ वो है कि मैं इस्लाम से मुतासर थी, मैंने कन्वर्जन किया। 30% ही मैं लव की ओर जा रही हूँ। तो इस वजह से मेरे मामले में कोई ये नहीं बोल सकता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है या और कोई चीज़। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं आप सबको बोल सकूँ, मैं सबको दिखा सकूँ कि यार मेरा कोई कन्वर्जन नहीं है मतलब फोर्सफुली, और ना ही मुझे किसी ने गन पॉइंट पे रखा, जैसे आप साहब बोल रहे थे गन पॉइंट पे रखा है ये वो, ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।